नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार पशु माना गया है। शायद इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में इसे पालना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत से बेसहारा कुत्ते गालियों में घूमते रहते हैं। कई लोग इन्हें बेवजह मरते हैं तो कुछ लोग इन्हें खाने के लिए भी देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी मान्यताएं हैं जिन्हें हम पुराने समय से सुनते भी आ रहे हैं, और इन मान्यताओं को हम सुनकर ही उनको मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुत्ता एक रहस्यमय प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है, या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफेद रंग का मिश्रित कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ होता है। कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी, इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिष या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूतादि से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसीलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सके। कुत्ते को धर्म ग्रंथों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के लिए रूप में बताया गया है। माना जाता है काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को यह उपाय लाभ पहुंचाता है। बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद कुत्ता पालन चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। कुत्ता काला या काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ शुभ का भी ज्ञात करवाता है।
काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लग जाता है। अचानक आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए काला कुत्ता मददगार साबित होता है। कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का गृह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना अपशकुन या अद्भुत घटना कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और, वह यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव। कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ होता है। कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी, इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिष या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।